मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू LBS। टुडेस लेक्चर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर 5, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, स्टैंडर्ड 7th। ओके, फर्स्ट एसिड। एसिड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक सॉर टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सॉर होता है, खट्टा होता है। एग्जांपल्स, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड आर द एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक सब्सटेंस। लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, ये सब क्या हैं? एसिड के एग्जांपल्स हैं। सब में एसिड होता है क्योंकि सबका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है ना, सॉर होता है ना। ओके, नाउ सेकंड बेसिस। ओके, तो बेसिस टेस्ट बिटर एंड आर स्लिपरी टू टच। ओके, तो बेस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है, कड़वा होता है, और टच करने पर स्लिप होता है। ओके, ये स्लिपरी होता है। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सॉप आर एग्जांपल्स ऑफ बेसिक सब्सटेंस। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सॉप, ये सब क्या है? बेस के एग्जांपल्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंडिकेटर्स। तो व्हाट इज इंडिकेटर्स? द सब्सटेंसेस यूज टू एग्जामिन वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या करता है कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है उसको जानने में मदद करता है, उसका पता लगाता है। ओके, जब हम हमको जो सब्सटेंस होगा वो एसिड है या बेस है, हमको कैसे पता चलेगा? तो इंडिकेटर से, हम इंडिकेटर्स के अंदर मिक्स करेंगे, सब्सटेंस डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके कलर में चेंज होगा, या तो फिर ऑर्डर से पता चलेगा, स्मेल से पता चलेगा। ओके, कि एसिड है क्या या बेसिक है। ओके, टर्मेरिक, ऑनियन एंड वेनिला आर नेचुरल इंडिकेटर्स। टर्मेरिक, ऑनियन और वेनिला, ये कैसे नेचुरल इंडिकेटर्स है। ओके, सपोज आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर सब्सटेंस दिया है, एक एसिडिक है और एक बेसिक, एक एसिड है और एक बेस है। ओके, दोनों कलर लेस है, इसमें भी कोई कलर नहीं है और इसमें भी कोई कलर नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एसिडिक है या बेसिक है, कि इसमें से कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है? तो टर्मरिक, सपोज हमने टर्मरिक इसके अंदर ऐड करते हैं, तो टर्मरिक ऐड करने पर अगर वो एसिड होगा तो कौन सा कलर देगा हमें? येलो कलर। ओके, येलो कलर मिलता है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये एसिड है। और सपोज हम इसके अंदर टर्मरिक ऐड करते हैं और हमें ऑरेंज कलर मिलता है तो हमें पता चल जाएगा ये क्या है? बेस है। तो येलो कलर से हमें एसिड का पता चल जाता है कि भाई टर्मरिक को हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ये कलर क्या होगा? येलो होगा। येलो से पता चल गया ये एसिड है, और ऑरेंज से पता चल गया ये क्या है? बेस। ओके, ऐसे ऑनियन और वेनिला। ओके, ऑनियन तो हमें स्मेल से पता चलता है कि एसिड है या बेस है। सपोज हमने एक क्लोथ लिया, क्लोथ के इस क्लोथ के ऊपर ऑनियन को रब करते हैं, रब कर दिया ऑनियन क्लोथ के ऊपर, तो ऑनियन की स्मेल क्लोथ पर आ गई। अब ये दोनों सब्सटेंस कैसे हैं? कलरलेस हैं, मुझे नहीं पता कि एसिड है या बेस। ओके, तो अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसकी 2-3 ड्रॉप्स किस पर डाल रहा हूँ? क्लोथ पे। तो ये एसिड होगा तो इसकी स्मेल, जो ऑनियन की स्मेल है, वो क्लोथ पे से नहीं जाएगी। जब मैंने इसकी 2-3 ड्रॉप्स डाली तो उसके बाद जब क्लोथ को मैंने सूंघा, उसकी स्मेल ली, तो ऑनियन की जो स्मेल थी वो उसमें थी, तो मुझे पता चल गया कि सब्सटेंस क्या है? एसिड है। एसिड में स्मेल नहीं जाती। अब मैंने क्या किया, 2-3 ड्रॉप्स इसकी डाली, इस सब्सटेंस की डाली, और इसको डालने के बाद जब मैंने स्मेल ली क्लोथ की, तो ऑनियन की स्मेल चली गई, ऑनियन की स्मेल चली गई, तो ये सब्सटेंस क्या हुआ? बेस हुआ। ओके, तो इस तरह से हमें कलर से पता चलता है, कलर येलो मिला टर्मरिक डालने पर तो एसिड हुआ, और ऑरेंज मिला तो वो बेस हुआ। अदरवाइज ऑनियन की स्मेल
चली जाती है तो वो बेस होता है, और स्मेल क्लोथ के ऊपर रहती है तो एसिड होता है। इससे हम ये इंडिकेटर्स है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ओके, लिटमस अ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस पेपर होता है, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस कहाँ से बनाया जाता है, तो ये लाइकेन नाम का प्लांट होता है, उसमें से लिटमस बनाया जाता है। ओके, तो लाइकेन प्लांट क्या है, नेचुरल है, तो लिटमस उसमें से बनता है, ये भी क्या होगा, नेचुरल इंडिकेटर होगा। इट इज अवेलेबल एस रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। किस में अवेलेबल होता है, तो टू टाइप के लिटमस पेपर में, एक रेड लिटमस पेपर होता है और एक ब्लू लिटमस पेपर होता है, एक रेड लिटमस पेपर और एक ब्लू लिटमस पेपर। अब हमें ये रेड और ब्लू लिटमस पेपर से कैसे पता चलता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा बेस है? तो लिटमस पेपर टू टाइप्स के होते हैं। ब्लू लिटमस पेपर अगर हम एसिड में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये सब्सटेंस क्या है, एसिड है। बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू बना देता है, तो रेड लिटमस को ब्लू बनाता है बेस, तो हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, बेस। ओके, तो ये क्या है, इंडिकेटर्स है जिससे हम पता लगाते हैं कि सब्सटेंस एसिड है या बेस। ओके, अब ये नेचुरल सब्सटेंस है और उनमें कौन से एसिड होते हैं। ओके, तो फर्स्ट विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिडिक एसिड। ओके, लेमन जूस, लेमन जूस में कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक एसिड। कर्ड, कर्ड में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। एप्पल, एप्पल में कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड। ग्रेप्स, ग्रेप्स में कौन सा एसिड होता है, तो टार्टिक एंड मैलिक एसिड, दोनों एसिड होते हैं इसमें। टेमेरिंड, इमली, इसमें कौन सा एसिड होता है, टार्टिक एसिड होता है। नेक्स्ट स्पाइनेज, इसमें कौन सा एसिड होता है, ऑक्जिलिक एसिड। ओके, तो इसे लर्न करना पड़ेगा कि कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड होता है। ओके स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।